नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिग्रूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम दलहन के बाद भारत में तिलहन की फसलों पर बात करेंगे। तिलहन यानी ऑयल सीड्स और जिन फसलों से सामान्य तौर पर तेल प्राप्त होता है, जैसे आप सरसों को देखिए, मूंगफली को या अरंडी को, ये जो फसलें हैं ये तिलहन की फसलों में शामिल है। और सामान्य तौर पर अगर हम तिलहन के टोटल फसलों की बात करें तो भारत में खाद्यान्न फसलों के बाद जो फूड क्रॉप्स है, इन खाद्यान्न फसलों के बाद दूसरा जो सर्वाधिक उत्पादन है वो तिलहन की फसलों का ही होता है। तो सबसे ज्यादा भारत में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, दो नंबर पे तिलहन, तीन नंबर पे दलहन की फसलें जो है वो बोई जाती हैं। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल के 20% भाग पर सामान्य तौर पर तिलहन बोया जाता है। तो देश का कुल जो पूरा एरिया है उसके लगभग 20% भाग पर तिलहन की खेती होती है। दूसरी बात, अगर हम कुल तिलहन का उत्पादन देखें, टोटल मतलब सभी फसलों का मिलाकर, तो भारत में MP यानी मध्य प्रदेश सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर जो है वो राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से बात करेंगे कि तिलहन में कौन कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है, कुल तिलहन में किसका क्या उत्पादन है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आज शुरू करेंगे भारत में फसलों में तिलहन की फसलें। तो तिलहन यानी ऑयल सीड्स, पहले हम टोटल तिलहन पर बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है तिलहन में। तो सबसे पहली बात, तिलहन के अंतर्गत भारत के कुल क्षेत्रफल का 20% है। कुल शस्य क्षेत्रफल, शस्य का मतलब जिस भाग पर कृषि हो रही है, कई बुकों में इसकी जगह कुल कृषि क्षेत्रफल या इसकी जगह निवल बोया गया क्षेत्र भी लिखा होगा। अगर हम भारत में 9 प्रकार का भूमि वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसके अंदर की बात, तो कुल शस्य क्षेत्रफल के 20% भाग पर तिलहन बोया जाता है। कुल शस्य क्षेत्रफल के 20% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है, पहला बिंदु। दूसरी बात, भारत में खाद्यान्न के बाद इसका दूसरा स्थान है और लगभग 14% उत्पादन है भारत की कुल कृषि का। भारतीय कुल कृषि का 14% उत्पादन जो है वो तिलहन से आता है। अच्छा, पहले हम कुछ एरिया भारत में बात करते हैं कि तिलहन की फसलों के क्या क्या प्रमुख एरिया है, क्षेत्र। मैं सभी तिलहन की बात कर रहा हूं, तो पहला तो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रॉयल सीमा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का रॉयल सीमा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रॉयल सीमा क्षेत्र भारत में पहला प्रमुख क्षेत्र है तिलहन के उत्पादन का। इसके अलावा बात करें मालवा का पठार, ये ध्यान रखिए कुल तिलहन की बात कर रहा हूं सभी प्रकार के, मालवा का पठार, मराठवाड़ा क्षेत्र और राजस्थान व गुजरात के शुष्क प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के शुष्क प्रदेशों में तिलहन का उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का रॉयल सीमा और राजस्थान, गुजरात और मालवा में मराठवाड़ा के जो शुष्क एरिया है वो भारत के प्रमुख है। तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं? प्रमुख फसल सरसों, अरंडी, मूंगफली, सरसों, अरंडी, मूंगफली, तोरिया, तिल, सूर्यमुखी, तोरिया की फसल देख लेंगे, तिल, सूर्यमुखी और सोयाबीन।
अब आपको एक अच्छी बात बताता हूं, भारत में खाद्यान्न में इसमें से सर्वाधिक तेल कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। सामान्य तौर पर अगर हम इसका आंसर टिक करें तो लोग इसका आंसर पेपर में सरसों लगाएंगे कि भारत में खाद्यान्न में सर्वाधिक तेल सरसों का प्रयोग में लाया जाता है, परंतु यह गलत है। भारत का लगभग 50% खाद्यान्न तेल मूंगफली से आता है, ध्यान रखना है, भारत का 50% खाद्यान्न तेल मूंगफली से आता है, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो सरसों, अरंडी, मूंगफली, तोरिया, तिल, सूरजमुखी और सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहन फसलें हैं, परंतु भारत के खाद्यान्न तेल का 50% भाग जो है वो किससे आता है? मूंगफली से आता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, बढ़िया चीज है। अगर आप कुल तिलहन उत्पादन की बात करें, फिर बात कर रहा हूं कुल तिलहन की, सभी प्रकार की फसलों की बात करें तो भारत में कुल तिलहन उत्पादन में नंबर एक पर है मध्य प्रदेश। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर एक पर है, जो कि देश का 28% तिलहन का उत्पादन करता है। इसके बाद में राजस्थान 21%, फिर महाराष्ट्र 15%, और अंत में है गुजरात जो कि 12% तिलहन का उत्पादन करता है भारत के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश 28% तिलहन का उत्पादन करता है, उसके बाद में नंबर दो पर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। यह भारत में कुल तिलहन की बात हो रही है कि कुल शस्य क्षेत्रफल के 20% भाग पर तिलहन, और खाद्यान्न में दूसरा स्थान, भारत 14% तिलहन का उत्पादन करता है लगभग, और सरसों, अरंडी, मूंगफली, तोरिया, तिल, सूर्यमुखी ये प्रमुख फसलें हैं। आंध्र प्रदेश और इसका रॉयल सीमा पठार, मालवा का पठार, मराठवाड़ा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र जो है वो तिलहन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और ये स्थिर राज्य है। अब हम तिलहन की कोई 4 या 5 फसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली पर, जो कि तिलहन की सबसे प्रमुख फसल है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर एक पर है इसके। चलिए, मूंगफली के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत चीन के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहली बात, मूंगफली के उत्पादन में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम विश्व की लगभग 20% मूंगफली उत्पादित करते हैं। विश्व की 20% मूंगफली, विश्व की 20% मूंगफली का उत्पादन जो है वो भारत से होता है। सामान्य तौर पर शुष्क एरियों की फसल है। मैंने अभी बात की कि भारत में खाद्यान्न तेल का 50% मूंगफली से ही प्राप्त होता है। भारत के 50% खाद्यान्न तेल का मूंगफली से ही प्राप्त होता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोई जाती है मूंगफली। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% भाग पर मूंगफली बोई जाती है, याद रखेंगे। भारत में ये एक रबी की फसल है। भारत के क्षेत्रों में रबी की फसल है। किस एरिया में? दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत में रबी की ऋतु में मूंगफली बोई जाती है, परंतु उत्तरी भारत में शुष्क ऋतु में वर्षा के द्वारा, यानी आप खरीफ की फसलों से कुछ पहले इसे मान सकते हैं। तो वैसे एक खरीफ की फसल है उत्तरी भारत में, परंतु दक्षिणी भारत में रबी की फसल बोई जाती है। इसके अलावा गुजरात,
मूंगफली का 33% उत्पादन करता है। गुजरात से बाहर की 33% मूंगफली। नंबर दो पर है राजस्थान, राजस्थान से भारत की 21% मूंगफली। और नंबर तीन पर है तमिलनाडु, भारत की 13% मूंगफली यहीं से निकलती है। तो चीन के बाद हम मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और विश्व की लगभग 20% मूंगफली भारत से उत्पादित की जाती है। इसके अलावा एक उत्तरी भारत में तो ये सामान्य रूप से खरीफ ऋतु या वर्षा के थोड़े बहुत एरिया में बोया जाता है, वो भी शुष्क एरियो में बिल्कुल पश्चिमी भागों के अंदर, परंतु दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में सामान्य तौर पर मूंगफली बोई जाती है। बात की है कि भारतीय खाद्यान्न का लगभग 50% तेल मूंगफली से उत्पादित होता है। गुजरात नंबर एक पर, राजस्थान और फिर तमिलनाडु जो है इसमें स्थान पर है। देश के 3.6% भाग पर मूंगफली बोई जाती है, जो बोया गया क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये पहली फसल थी हमारी मूंगफली। दूसरी फसल देखते हैं मूंगफली के बाद है तोरिया व सरसों। और तोरिया व सरसों, अच्छा सरसों के उत्पादन में राजस्थान भारत में नंबर एक पर है और सामान्य तौर पर रबी की फसलों में आता है। अब इसके अंदर आती क्या है, राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा। तोरिया व सरसों का मतलब है इसके अंदर राई की फसल, तोरिया की फसल, सरसों की फसल और तारामीरा की फसल, ये फसलें शामिल होती हैं। तो इसमें चार फसलों का हम पढ़ रहे हैं, तो तोरिया व सरसों की बात कर रहे हैं हम। चलिए उपोषण कटिबंध, उपोषण कटिबंध में रबी की ऋतु में, अभी आप देख रहे हैं सरसों का उत्पादन, उपोषण कटिबंध में रबी की ऋतु में बोई जाती है सरसों, सर्दियों में सरसों का साग तो रबी की ऋतु में बोई जाती है। और सामान्य तौर पर उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में, तो ध्यान रखेंगे सामान्य तौर पर उत्तरी पश्चिमी यानी राजस्थान के एरिए व मध्य भारत में इस फसल का उत्पादन होता है। राजस्थान से लगभग सर्वाधिक उत्पादन होता है इस फसल का, राजस्थान इसके उत्पादन में नंबर एक पर है 44%। फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, ये सर्वाधिक उत्पादन करते हैं तोरिया व सरसों। मैं इन्हीं चारों फसलों की बात कर रहा हूं, ये भारत में तोरिया व सरसों। ध्यान रखना है कि चार फसलें तोरिया व सरसों में शामिल होती हैं, कौन कौन सी, राई, तारामीरा, उसके बाद में तोरिया और सरसों। रबी की ऋतु में बोई जाती है सामान्य तौर पर हमारे भारत के अंदर। और जो मेन बिंदु है इसका वो है कि राजस्थान इसके उत्पादन में नंबर एक पर है। चलिए ठीक है, देश के कुल शस्य क्षेत्रफल के 2.5% भाग पर बोई जाती है। मेन बात, देश के कुल शस्य क्षेत्रफल के 2.5% भाग पर ये फसलें बोई जाती हैं। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है, एनसीईआरटी में सिर्फ सरसों का 33% जो उत्पादन है वो लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा में, पंजाब में इनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है। हरियाणा में, पंजाब में इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार ज्यादा है। अब एनसीईआरटी ने इसके अंदर 2015 का डाटा दे रखा है, उन्होंने मूंगफली का भी लगभग 15% उत्पादन दे रखा है, परंतु मैंने आपको यहां मूंगफली के उत्पादन में लगभग 20% लिखाया है विश्व का। क्यों? क्योंकि ये नया जो डाटा है उसके अनुसार है। वैसे हरियाणा पंजाब में इसकी पैदावार ज्यादा है, राजस्थान 44% उत्पादन जो है वो करता है इन सभी फसलों का, इस बात की हम ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अलावा हम चार छोटी छोटी फसलों पर बात करेंगे, सोयाबीन, कुछ कुछ लाइनें हैं। तो पहली फसल है सोयाबीन, सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक सोयाबीन जो है वो बोता है,
ध्यान रखेंगे इस बात को, लगभग 52.23% लगभग 52% सोयाबीन जो है वो एमपी से उत्पादित किया जाता है भारत का। इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान, दो नंबर पे है महाराष्ट्र, तीन नंबर पर है राजस्थान। देश का लगभग 33% सोयाबीन महाराष्ट्र से निकलता है और 8% निकलता है राजस्थान से। तो सोयाबीन इसको भी ध्यान रखेंगे। और रबी की फसल है, रबी की फसल है और लगभग इसका 50% शस्य क्षेत्र, सोयाबीन की बात कर रहा हूं सिर्फ, इसका 50% शस्य क्षेत्र मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। और परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तेलंगाना में सर्वाधिक है, तेलंगाना में ही सर्वाधिक है। सूर्यमुखी के उत्पादन में, सूर्यमुखी या सूरजमुखी के उत्पादन में नंबर एक पर कर्नाटक और नंबर दो पर है उड़ीसा। सूर्यमुखी के उत्पादन में कर्नाटक और उड़ीसा नंबर एक में दो पर है। उसके बाद अगले बाद बात करनी है तो फिर हरियाणा में बिहार है। देश का 54% सूर्यमुखी कर्नाटक से उत्पादित होता है। तो सूर्यमुखी में कर्नाटक, सोयाबीन में एमपी, सरसों तोरिया में राजस्थान और कुल तिलहन में कौन सा आगे है, मध्य प्रदेश, जबकि मूंगफली में गुजरात नंबर एक पर। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी इन्हीं तीनों में तिलहन की फसलें बार बार से बदलकर बोई जा रही है, ये हमें ध्यान रखना है प्रमुख रूप से। उसके बाद में तिल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से होता है, इनकी एक एक लाइन है। तिल का उत्पादन लगभग भारत का 28% तिल वेस्ट बंगाल से उत्पादित किया जाता है, वेस्ट बंगाल से उत्पादित किया जाता है। अंतिम एक और है अरंडी, गुजरात इसका 75% उत्पादन करता है। अरंडी में गुजरात नंबर एक पर है 75% उत्पादन, नंबर दो पर है राजस्थान, नंबर दो पर है राजस्थान। ये हमारे भारत की प्रमुख तिलहन की फसलें जो है वो कंप्लीट होती है। इतना ही बिंदु था, कुछ ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से भी, इसमें अत्यधिक और कुछ नहीं है। चलिए हम बाकी अगली जो फसल है, एक हमारे रेशेदार फसलें रहेगी, एक हमारे दो पेय पदार्थ रह गए, चाय और कॉफी, और एक तरफ हम कपास और जूट पर जो है वो ध्यान देंगे। बाकी हमारा जो तिलहन का बिंदु है ऑयल सीड्स का, वो इसके साथ कंप्लीट होता है। कुछ जरा मोटी रहा नहीं इसके अंदर, इतना ही बिंदु था। बाकी सभी को एक बार फिर से कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद आप सभी का।